माता जी सामने खड़ी हुई है। फिर भी कोई समस्या आती है तो स्वयं के मोबाइलों से हर जगह इनके लोग बैठे हुए हैं, रास्ता करते हैं। केला मैया की कृपा से 51 शादी इस साल भी हो गई। हाथ नीचे कर दे। इनकी जोड़ों के बारे में कोई भूमिका नहीं होती। जो भी सज्जन हमारी बहनों को सामान दे रहे हैं शादी के उपलक्ष्य में, उनसे मेरा निवेदन है, मेरा आग्रह है, 10 नंबर पंडाल के सामने उपहार दाता केंद्र का काउंटर लगा हुआ है, आप वहां पर एंट्री कराकर अग्रवाल द्वारा शुरू किया गया सर्वधर्म सामूहिक विवाह का आयोजन चौथा आज हो रहा है, जिसमें 51 बच्चियां हैं, 40 हिंदू बच्ची, 9 सिख बच्ची, 9 मुस्लिम बच्ची, 2 सिख बच्ची और सभी जो है गरीब घरों की हैं, जिनमें 26 बच्चियां तो ऐसे इनके माता पिता ही नहीं है और 13 बच्चियां इनके पिता नहीं है या भाई नहीं है, इस तरीके की है। निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है, तीर्थराज मचकुंड की पावन भूमि पर चौथी बार यह आयोजन हो रहा है। इसमें वह 144 बच्ची जिनकी पहले शादी हुई है वो भी आई हुई है और ये केवल गरीबों की सहायता में निश्चित रूप से अनिल अग्रवाल द्वारा एक सराहनीय काम कराया गया। यहाँ पर कन्या भ्रूण हत्या को लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के रूप में एक शपथ भी दिलाई गई है, जिससे यह सभी बेटियों को कहा गया है, बेटी और वरों को, कि किसी प्रकार की कन्या भ्रूण हत्या या वो ना करें। आज तीर्थराज मचकुंड में 51 जोड़ों की शादियां हैं, जिसमें ये सभी गरीब परिवार से हैं। 26 बच्चियां ऐसी हैं इनके माँ बाप नहीं, 13 बच्चियां ऐसी इनके भाई बहन नहीं, ये सभी जाति की हैं, जिसमें मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, बाकी जो हिंदू भी हैं। कहाँ से आए हैं? करौली से आए हैं और ग्राम पांचोली है। अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, अच्छा ये सम्मेलन, अच्छा व्यवस्था, अच्छी शादी हो रही है, सारी सुविधा अच्छी है और बहुत ही अच्छी है। हिंदू हैं, मुस्लिम भी हैं और सारे कौमी समाज, सभी समाज हैं।
वो सारी व्यवस्था अच्छी है।